देखो भाई, परमात्मा के निकट पहुंचने के लिए स्वास्थ्य का उत्तम रहना भी आवश्यक है। शरीर माध्यम खरु धर्म साधना, धर्म की साधना शरीर की स्वस्थता से होती है। इसलिए यदि थोड़ा सा आसन प्राणायाम कर लेने से आपका शरीर स्वस्थ रहता है तो आप उसके लिए भी प्रयास करें, उसकी उपेक्षा न करें। और परमात्मा की प्राप्ति में मन की जो एकाग्रता है, आप एक लक्ष्य का चिंतन करें, बीच में मन डावाडोल न हो, इधर उधर न जाए। एकाग्रता माने मन का नुकीलापन अपने लक्ष्य पर ही जा करके लगे, उसके आगे एक वस्तु हो, दो वस्तु ना हो। आपने सुना होगा द्रोणाचार्य ने दुर्योधन से पूछा, जिस चिड़िया पर निशाना लगाना है, भले वो प्लास्टिक की बनी हो कि रबड़ की, तुम्हें क्या दिखता है? बोले पेड़ दिखता है, डाली दिखती है, चिड़िया दिखती है। क्या रहने दो। कर्ण से पूछा, तुम्हें क्या दिखता है? तो चिड़िया दिखती है, पेड़ डाली पत्ता कुछ नहीं दिखता है। अच्छा रहने दो। अर्जुन से पूछा, तो मुझे आंख दिखती है चिड़िया की और कुछ। तो परमात्मा में अपना मन लगाने के लिए ये दूसरी जो अगल बगल की चीजें हैं उनसे मन को हटाना पड़ता है। दृश्यते त्वग्रेया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। परमात्मा की प्राप्ति के लिए एकाग्र और सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो यदि योगाभ्यास का कोई भी अंग आपके मन की एकाग्रता में सहायक है तो वो परमात्मा की प्राप्ति में सहायक है। अब नुमाइश की बात अलग है कि वो दिखावे के लिए हो या केवल बाह्य लाभ के लिए हो, केवल पैसा इकट्ठा करने के लिए हो या कोई सिद्धि प्राप्त करने के लिए हो, एकाग्र चित्त से लोग दुष्चरित्र भी हो जाते हैं। तो माने उनको किसी का माल हड़पने के लिए एकाग्र मन से चिंतन करने लगते हैं, इस स्त्री की प्राप्ति के लिए भी करते हैं। एक तो आपकी एकाग्रता में दुष्चरित्र का समावेश नहीं होना चाहिए, काम क्रोध लोभ का समावेश नहीं होना चाहिए, और किसी सिद्धि की प्राप्ति कि हम आकाश में उड़ने लगेंगे या हम जो साप वरदान देंगे वो होने लगेगा, इन लालसाओं की पूर्ति के लिए एकाग्रता का अभ्यास नहीं होना चाहिए। सत्य के ज्ञान के लिए एकाग्रता का अभ्यास होना चाहिए। तो योग कोई बुरी वस्तु नहीं है, वो धर्म में भी सहायक है। जस्य देवतायै हविर्गृहीतं स्यात् ताम ध्यायेत् वशत् करिष्यन्। जिस देवता के लिए आप हविष्य हाथ में लीजिए उसका ध्यान कीजिए। भक्ति में भी सहायक है, आप एकाग्र मन से भगवान का ध्यान कीजिए, वो समाधि में भी सहायक है। मन
धारणा ध्यान, देश बंध से धारणा, काल बंध से ध्यान और वस्तु बंध से समाधि और स्वयं चित्त वृत्ति का निरोध होने पर दृष्टा के स्वरूप में अवस्था। निरोध भूमिका से पहली भूमिका एकाग्र भूमिका है और वो बहुत श्रेष्ठ है। और वेदांत चिंतन में तो नारायण एकाग्रता बहुत ही उपयोगी है। यस्तु विद्यार्वान् भवति समनस्कः सदा शुचिः सतु तत्पदमाप्नोति यस्माद् भूयो न जायते। नारायण, तो आप स्वास्थ्य और एकाग्रता को कोई छोटी मोटी चीज मत समझिए। आप जो भी प्राप्त करना चाहते हैं वहां तक, यहां तक कि व्यापार चिंतन में भी, भोग चिंतन में भी एकाग्रता की आवश्यकता पड़ती है। तो आप स्वास्थ्य और एकाग्रता को उत्तम वस्तु समझ करके स्वीकार कीजिए, पर वहीं रुक मत जाइए, उसके आगे बढ़िए। अपनी स्वस्थता और एकाग्रता को परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा के स्वरूप के चिंतन में लगाइए। ओम।